विजयादशमी हो और विजय का रंग से रणसिंगा फूंकने का अवसर मिले, ये भविष्य के हर विजय के आगाज लेकर के आया है। बिलासपुर को तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का डबल गिफ्ट मिला है, कलुरारी बंदले धारा ऊपर हाइड्रो कॉलेज कने थल्ले एम्स होने ऐतिरिक्त पहचान हुई। भाइयों और बहनों, यहां विकास योजनाओं को आपको सौंपने के बाद जैसा जयराम जी ने बताया, एक और सांस्कृतिक साक्षी का विकार विरासत का साक्षी बनने जा रहा हूं और बहुत वर्षों बाद मुझे एक बार फिर कुल्लू दशहरे का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलेगा। सैकड़ों देवी देवताओं के साथ भगवान रघुनाथ जी की यात्रा में शामिल होकर मैं देश के लिए भी आशीर्वाद मांगूंगा। और आज जब बिलासपुर आया हूं तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। वो भी एक वक्त था, यहां पैदल टहलते थे, कभी मैं, धूमल जी, नड्डा जी पैदल यहां बाजार से निकल पड़ते थे। हम एक बहुत बड़ा रथ यात्रा का कार्यक्रम लेकर भी यहां बिलासपुर की गलियों से गुजरे थे और तब स्वर्ण जयंती रथ यात्रा यहां से होकर, और वो भी मेन मार्केट से निकली थी, वहां जनसभा हुई थी। और अनेक बार मेरा यहां आना हुआ, आप लोगों के बीच रहना हुआ है। हिमाचल की इस भूमि पर काम करते हुए मुझे निरंतर हिमाचल की विकास यात्रा का सही यात्री बनने का अवसर मिला है। और मैं अभी सुन रहा था, अनुराग जी बड़े जोर जोर से बोल रहे थे, ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने कहा। हमारे नड्डा जी भी कह रहे थे, ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया। और हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी भी कह रहे थे, मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं, सच्चाई बता दूं, किसने किया बता दूं, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपने किया है, आपके कारण हुआ है। अगर आप दिल्ली में सिर्फ मोदी जी को आशीर्वाद देते और हिमाचल में मोदी जी के साथियों को आशीर्वाद न देते तो ये सारे कामों में वो अड़ंगे डाल देते। ये तो जयराम जी और उनकी टीम है कि जो काम दिल्ली से मैं लेके आता हूं उसको तेज गति से लोग दौड़ाते हैं, इसलिए हो रहा है। और ये अगर एम्स बना है तो आपके एक वोट की ताकत है, अगर टनल बना है तो आपके एक वोट की ताकत है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है तो ये आपके वोट की ताकत है, अगर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है तो ये भी आपके वोट की ताकत है। और इसलिए
आज मैं हिमाचल की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा हूं। विकास को लेकर हमने देश में लंबे समय तक एक विकृत सोच को हावी होते देखा है। ये सोच क्या थी? अच्छी सड़कें होगी तो कुछ राज्यों और कुछ बड़े शहरों में होगी, दिल्ली के आसपास होगी। अच्छे शिक्षण संस्थान होंगे तो बहुत बड़े बड़े शहरों में होंगे। अच्छे अस्पताल होंगे वो तो दिल्ली में ही हो सकता है, बाहर हो ही नहीं सकता है। उद्योग धंधे लगेंगे तो भी बड़े बड़े जगह पे लगेंगे। और विशेषकर देश के पहाड़ी प्रदेशों में मूल सुविधाएं तक सबसे अंत में कई कई वर्षों के इंतजार के बाद पहुंचती थी। उस पुरानी सोच को और उस सोच का नतीजा ये हुआ कि इससे देश में विकास का एक बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। इस वजह से देश का एक बड़ा हिस्सा, वहां के लोग असुविधा में, अभाव में रहे। पिछले 8 वर्षों में देश अब उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर नई सोच, आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। All right there, Prime Minister Modi there addressing a rally in Bilaspur in Himachal Pradesh.